हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड्रॉइड। आज के इस वीडियो में हम चैट प्रेफरेंस की मदद से साइन अप फॉर्म के एग्जांपल के बारे में देखेंगे। हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से साइन अप करेंगे तो चैट प्रेफरेंस में वैल्यू स्टोर हो जाएगी और हम फिर से जब भी ऐप ओपन करेंगे तो हमें डायरेक्ट लॉग इन पेज ही ओपन होकर दिखाई देगा। हम लेआउट एक्टिविटी मेन में साइन अप फॉर्म क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट भी लेंगे, विड्थ रैप हाइट रैप रखेंगे, टेक्स्ट कलर टेक्स्ट साइज क्लोज करेंगे। दो एडिट टेक्स्ट लेंगे, कैपिटली एडिट टेक्स्ट, विड्थ मैचमेंट रखेंगे, हाइट ब्रेक आई डी देंगे, इंट बिलो टी एक्स टी करेंगे, मार्जिन टॉप पेडिंग लेफ्ट मार्जिन हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट कलर क्लोज करेंगे। एक और एडिट टेक्स्ट लेंगे, कंट्रोल डी नंबर लिखेंगे, इनपुट टाइप नंबर और बिलो नेम करेंगे और एक बटन क्रिएट करेंगे, विड्थ 120 dB, टेक्स्ट लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर सेंटर हॉरिजॉन्टल 2, बिलो नंबर करेंगे, मार्जिन टॉप क्लोज करेंगे। एडिट टेक्स्ट और बटन को मेन एक्टिविटी में डिफाइन करेंगे, कैपिटली एडिट टेक्स्ट बटन कंट्रोल डी नंबर और एक वेलकम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मेन एक्टिविटी 2। हम लेआउट एक्टिविटी मेन 2 में वेलकम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, रिलेटिव लेआउट टेक्स्ट व्यू लेंगे, वेलकम लिखेंगे, टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे और नेम और नंबर का टेक्स्ट चुनेंगे, कंट्रोल डी नेम टी एक्स टी करेंगे, बिलो टी एक्स टी बिलो नेम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट साइज अल्टर दे टेक्स्ट कलर ब्लैक, मार्जिन ड्रॉप और एक बटन सेट कराएंगे, कॉपी बिलो नंबर टीएक्सटी करेंगे, बैकग्राउंड कलर और एक स्प्लैश एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, स्प्लैश एक्टिविटी लिखेंगे। हम लेआउट एक्टिविटी स्प्लैश में टेक्स्ट सेट करेंगे, स्प्लैश एक्टिविटी और लेआउट एक्टिविटी मेन में हमने जो भी एडिट टेक्स्ट किया हुआ है उसमें कोई भी वर्ड टाइप करेंगे और सेट प्रेफरेंस में वैल्यू सेट करेंगे। मेन एक्टिविटी में सेट प्रेफरेंस लेंगे, कैपिटल एफ सेट प्रेफरेंस, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे क्लोज,
और शेड प्रेफरेंस डेटाबेस क्रिएट करेंगे। शेड प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंस लिखेंगे डबल कोट्स, और हम यहाँ पे माय प्रेफरेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम मोड प्राइवेट, और अदरवाइज हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे प्राइवेट स्टैटिक कैपिटल एस स्ट्रिंग शेड प्रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स करेंगे। और जो भी हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम सेट कराया हुआ उसे ऐड करेंगे शेड प्रेफरेंस। तो मेन एक्टिविटी में माय प्रेफरेंस नाम का शेड प्रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब हम साइनअप के क्लिक पर नेम और नंबर में जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो शेड प्रेफरेंस में सेव कराएंगे। हम साइनअप का क्लिक इसमें सेट कराएंगे, एरर सेट कराएंगे इफ नेम else if हम शेड प्रेफरेंस में वैल्यू एड कराने के लिए एडिटर लेंगे, कैपिटल एस शेड प्रेफरेंस डॉट एडिटर करेंगे, उसका कोई भी वेरिएबल नेम देंगे इज इक्वल टू जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया हुआ है वो लिखेंगे शेड प्रेफरेंस डॉट एडिट, क्लोज करेंगे, एडिटर लिखेंगे डॉट पुट स्ट्रिंग की नेम देंगे। हम की नेम इस तरह से भी दे सकते हैं, कंट्रोल डी करेंगे, कैपिटल है नेम लिखेंगे, की नेम लिखेंगे, कोमा और क्या वैल्यू सेट कराना चाहते हैं वो लिखेंगे नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, फिर से एडिटर लेंगे डॉट पुट स्ट्रिंग, और फिर से की नेम सेट करेंगे की नंबर, कोमा नंबर लिखेंगे और एडिटर डॉट अप्लाई करेंगे, टोस्ट सेट करेंगे, और इंटेंट पास करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट हम साइनअप बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट नेम और नंबर में हम कोई भी वर्ड टाइप करेंगे वो वैल्यू सेट प्रेफरेंस में सेव हो जाएगी, और मेन एक्टिविटी टू में हम गेट करेंगे। हमने लेआउट एक्टिविटी मेन टू में जो भी टेक्स्ट लिया हुआ है उसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल टी टेक्स्ट यू एक्सटी नंबर, टी एक्सटी नेम, और शेड प्रेफरेंस लेंगे। शेड प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंस लिखेंगे मेन एक्टिविटी में से, कॉपी करेंगे, कैपिटल है शेड प्रेफरेंस लिखेंगे, की नेम देंगे, कॉमा मोड प्राइवेट। हम शेड प्रेफरेंस में से नेम और नंबर की वैल्यू गेट करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू शेड प्रेफरेंस लिखेंगे जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया हुआ है डॉट गेट स्ट्रिंग, और की नेम पास कराएंगे, कैपिटल के की नेम कोमा करेंगे, और डिफॉल्ट वैल्यू हम नल सेट कराएंगे, क्लोज, फिर से कैपिटल है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर, की नंबर पास कराएंगे, और डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट कराएंगे, क्लोज। शेड प्रेफरेंस में हमने जो भी एक्टिविटी में
वैल्यू स्टोर कराई थी वो वैल्यू गेट कराएंगे और टेक्स में सेट कराएंगे। txt नेम लिखेंगे डॉट सेट टेक्स, डबल कोट्स करेंगे फर्स्ट नेम, प्लस करेंगे और स्ट्रिंग नेम सेट कराएंगे। फिर से कंट्रोल डी, txt नंबर, मोबाइल नंबर लिखेंगे और स्ट्रिंग नंबर पास करेंगे। और लेआउट एक्टिविटी मेन में लॉगआउट के क्लिक पर हम शेयरिंग प्रेफरेंस में जो भी वैल्यू सेट कराई थी वो क्लियर कराएंगे। लॉगआउट लिखेंगे, शेयर प्रेफरेंस एडिटर लेंगे, कैपिटल एस करेंगे, शेयर प्रेफरेंस डॉट कैपिटल ई एडिटर, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस लिखेंगे जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया हुआ है डॉट एडिट, क्लोज करेंगे। अब एडिटर लिखेंगे डॉट क्लियर, क्लोज करेंगे और एडिटर डॉट अप्लाई करेंगे। पोस्ट सेट कराएंगे, और एक्टिविटी को फिनिश करेंगे और स्प्लेस एक्टिविटी को मेनी पेज में लॉन्चर में सेट करेंगे। मेन एक्टिविटी तो जब भी हम ऐप ओपन करेंगे तो स्प्लेस एक्टिविटी में कंडीशन चेक कराएंगे कि हमने मेन एक्टिविटी में लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद हम जब भी दूसरी बार ऐप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट हमें मेन एक्टिविटी 2 ही ओपन होकर दिखाई देगी। हम स्प्लेस एक्टिविटी में सेट प्रेफरेंस गेट कराएंगे, सेट प्रेफरेंस कोई भी वेरिएबल नेम क्लोज करेंगे, हैंडलर एंड्रॉइड डॉट ओ एस का हैंडलर इम्पोर्ट कराएंगे, इज इक्वल टू न्यू हैंडलर, कैपिटल एल करेंगे, लूपर डॉट गेट मेन लूपर क्लोज, हैंडलर लिखेंगे डॉट पोस्ट डिले, न्यू रनेबल करेंगे कैपिटल आर, और जितने सेकंड का हम टाइम सेट कराना चाहते हैं सेट कराएंगे। शेयर प्रेफरेंस गेट करेंगे, शेयर प्रेफरेंस लिखेंगे इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस, की नेम पास कराएंगे, शेयर प्रेफरेंस कॉमा कैपिटल है मोड प्राइवेट क्लोज करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे, की नेम पास करेंगे, की नेम कोमा डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट करेंगे, क्लोज करेंगे, कंट्रोल डी, स्ट्रिंग नंबर लिखेंगे, की नंबर और हैंडलर फिनिश होने पर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग नेम नॉट इक्वल टू नल होगा तो हम इंटेंट पास कराएंगे। मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास करेंगे, क्लोज, स्टार्ट एक्टिविटी, अदरवाइज हम लॉग इन कराएंगे, मेन एक्टिविटी पास करेंगे। हम यहाँ नेम और नंबर दोनों वैल्यू से कंडीशन चेक करा सकते हैं, वर्टिकल बार करेंगे, स्ट्रिंग नंबर लिखेंगे नॉट इक्वल टू नल, और हैंडलर फिनिश होने पर कंडीशन चेक होगी कि स्ट्रिंग नंबर और स्ट्रिंग नेम दोनों में से कोई भी एक नल नहीं होगा तो ही वेलकम एक्टिविटी ओपन होगी, अदरवाइज साइन अप एक्टिविटी ओपन होगी। हम फिनिश करेंगे स्प्लैश एक्टिविटी, मैनिफेस्ट में थीम पास कराएंगे नो एक्शन बार, स्मॉल एन करेंगे नो एक्शन बार, और एप्लीकेशन रन करेंगे। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमें साइनअप फॉर्म ओपन होकर दिखाई देगा। हम फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर, साइनअप पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा और वेलकम स्क्रीन ओपन होकर दिखाई देगी, और जो भी हमने मेन एक्टिविटी में नेम और नंबर टाइप किया था वो टेक्स्ट में सेट होकर दिखाई देगा। और हम एप्लीकेशन क्लोज करेंगे, फिर से एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्ट वेलकम एक्टिविटी ही ओपन होगी दिखाई देगी। अब लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो शेयर प्रेफरेंस में हमने जो भी वैल्यू स्टोर कराई थी वो लॉगआउट हो जाएगी, और हम फिर से ओपन करेंगे तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमें फिर से साइनअप फॉर्म ओपन होकर दिखाई देगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।